अगले कुछ ही दिनों में कीव में मच सकता है हाहाकार। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसी खबर क्यों है? यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को आगाह किया यूक्रेन ने, और कीव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले करेगा रूस, ये यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन के पास अब इनकी मरम्मत के लिए उपकरण नहीं है, तो यूक्रेन लगातार यूरोपियन कंट्रीज को चेतावनी दे रहा है, आगाह कर रहा है कि और ज्यादा बुरी स्थिति होने वाली है। बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कि कीव की हालत कितनी भयावह होती दिख रही है और आगे कितना बुरा और हो सकता है। जरा इसके लिए हम आपके लिए जो ये हमारी टीम ने ग्राफिक्स तैयार किया, इसको आप ध्यान से देखिए। कीव का दी एंड तय। इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी मिली है कि रूस कीव में फिर बड़े हमले करेगा। कीव में फिर से रूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए अब यूक्रेन के पास जरूरी उपकरण या जरूरी पार्ट्स नहीं बचे हैं। ना सर्दियों में घरों को गर्म करने का इंतजाम बचेगा, ना रोशनी का इंतजाम होगा। कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को जनरेटर सेट दिए हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं और कहीं भी होंगे जनरेटर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बराबरी नहीं कर सकते। पहले ही कीव में क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तक रिपेयर नहीं किया जा सका है, और इसीलिए मुमकिन है कि आने वाली सर्दियों में कीव किसी भी सूरत में रहने लायक ना बचे। और यही सवाल है जो लगातार हम पूछ रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, सवाल यहां पर यही है, रूस का 8 महीने का अटैक किया, ये और डेडली हो जाएगा जब सर्दियां होंगी, एनर्जी नहीं होगी, पावर नहीं होगा, लोगों के पास अपने घरों को गर्म करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि देखिए, जो रशिया को अचीव करना था वो काफ़ी हद तक अचीव कर चुका है। अब वो इस स्थिति को मेंटेन करेगा, कीव या लवी पे और अटैक करना ये उसको इंटरनेशनली, तो वो ऐसे ही आइसोलेटेड है, वो नहीं ऐसा करेगा, मेरा मानना है। और ये अगर आपका मानना है मैं ये देखता हूँ कि ये अटैक जारी रहेंगे। क्यों? और इनके नाजुक हालत जो है वो खासतौर पे इसलिए भी है क्योंकि ये सब इक्विपमेंट सोवियत इरा के, ठीक है, और जो सब स्टेशन है या जो पावर स्टेशन है उस पर हमला करने से स्पेयर पार्ट्स सोवियत यूनियन या रशिया से ही आ सकते, और वो अब आएंगे नहीं। वो अब आएंगे नहीं।